खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग देख रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज फैक्ट, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 का, जो कि मध्य प्रदेश का भूगोल है, MP की ज्योग्राफी है। और जब आप यूनिट 4 देखेंगे सिलेबस में, उसमें जो टॉपिक नंबर 5 देखेंगे आप, तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। तो आज हम इससे संबंधित 100 फैक्ट देखेंगे। संबंधित जो PDF है वो सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। हम केवल आपकी सुविधा के लिए इसे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब उम्मीद है हमारे कुछ अच्छा करने की, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों को बनाए रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। सिंगरौली का जो मुख्यालय है वो बैढ़न में है। तो यदि आपसे बैढ़न ऑप्शन में रहता है तो आप बैढ़न को टिक करेंगे, सिंगरौली रहता है तो आप सिंगरौली को टिक करेंगे। और यहीं पर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला ताप विद्युत गृह है, जहाँ पर 4760 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना जो है वह कब लागू की गई, तो की गई थी 1 अप्रैल 2019 को। मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, यह किया गया 1 अप्रैल 2013 से किया गया। अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश द्वारा किस विद्युत योजना के क्रियान्वयन में 100% लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। जो सौभाग्य योजना थी, सहज बिजली हर घर योजना जो थी, उसकी जो क्रियान्वयन था 100% उसका किया जा चुका है, टारगेट अचीव है। मध्य प्रदेश में उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जो कि उदय के नाम से जैसे जानते हैं, आपको उदय का फुल फॉर्म याद रखना है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है ना, यह कब लागू की गई, तो उदय लागू की गई थी 10 अगस्त 2016। आपसे भी पूछा जा सकता है कि उदय योजना किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बिजली विभाग से। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, की गई थी कब, 9 दिसंबर 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, शक्ति भवन में है, जो की जबलपुर में है। अगला प्रश्न कहना चाहता है कि मध्य प्रदेश में राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई, तो राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है 25 अगस्त 1982 को। 25 अगस्त 1982 राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है। अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पर। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में, जो की 1960 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई 1996 में, इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई है गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र शहडोल जिले में। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस जिले में गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है, ये की जा रही है गुना जिले में। गुना जिले में स्थान है विजयनगर, तो विजयनगर में गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई, ये की गई थी बुरहानपुर जिले में। यहाँ पे चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1965 में, और यहाँ पर 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जल आपूर्ति किस नदी से होती है, तो जबलपुर ताप विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे बरगी बांध है, जो की बरगी नदी से ये इस परियोजना की जल पूर्ति की जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है, तो छिंदवाड़ा में पेंच ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है छिंदवाड़ा जिले में। दादा धुनी वाले विद्युत परियोजना कहाँ है, दादा धुनी वाले विद्युत परियोजना कहाँ है, खंडवा में है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी संयुक्त से की गई, ये की गई थी USSR से, जो की पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वर्तमान का रूस, और ये स्थापना हुई थी 1987 में। कहाँ हुई थी, तभी अपने देखा था सिंगरौली में हुई थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थापित गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कहाँ है, सबसे पहले गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है नरसिंहपुर जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी तो, और इसमें जो उत्पादन क्षमता कितनी है वो है 3200 मेगावाट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है, तो ये रीवा जिले में प्रस्तावित नहीं है, ये तो बन गया है और कार्य कर रहा है, विद्युत उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, ये लगभग 750 मेगावाट है। ये कहाँ पे है, तो ये गुढ़ तहसील है वहाँ पे है, और यहाँ पे 250 की यूनिट, तो तीन यूनिटें लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 20 पर। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है,
तो मध्य प्रदेश में चौथा स्थान है ना, फोर्थ नंबर पे हैं हम। किस कंपनी द्वारा 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया है? तो इसका नाम है ऑल इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया है बुरहानपुर में, है ना। और ये किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां किन जिलों में हैं? तो इंदौर और देवास जो है, देवास में जमकोदरानी एक जगह है, वहां पे सर्वाधिक पवन चक्कियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सबसे पहले 1995 में जो है तो जमकोदरानी पहाड़ी देवास में पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में टोंस जल विद्युत केंद्र है? तो टोंस जल विद्युत केंद्र रीवा जिले में है, रीवा जिले में भी सिरमौर तहसील है वहां पे है, और यहाँ पे लगभग 315 मेगावाट का विद्युत उत्पादित किया जाता है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना से किन राज्यों में विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को विद्युत आपूर्ति की जाती है, और यहाँ पर लगभग 435 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होता है। अब ये है कहाँ पे, तो ये है देवलोद नामक एक जगह है। देवलोन जगह कहाँ है, ये है शहडोल में, ठीक है। किस नदी पर बना है, तो ये बना है सोन नदी पर, इतनी चीज आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये निर्माणाधीन है मंडला में, चुटका नामक जगह है वहां पे मंडला में। और मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे है, तो वो है शिवपुरी जिले में भीमपुर नामक स्थान पे। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो है तो निर्मित किए जा रहे हैं। पहला कहाँ पे है, तो मंडला में, और दूसरा कहाँ है, शिवपुरी में। आप नाम याद रखिए, चुटका और भीमपुर। बैतूल जिले के सारणी में स्थित तसतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान संबंधित है, ये बैतूल जिले से जो परियोजना संबंधित है, और यूएसए इनका सहयोगी रहा है यहाँ पे सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना को स्टार्ट करने में। मध्य प्रदेश में कृषकों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना कब से लागू की गई है? तो स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है, यह योजना 4 मई 2011 से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना हेतु जल पूर्ति किस नदी से की जाती है? तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना जो है उमरिया जिले में है, इससे जोहिला नदी के द्वारा पानी दिया जाता है, और स्थापना की गई थी इस परियोजना की 1993 में। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 31 पर। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? 2014 में की गई है, और यह खंडवा जिले में है, ध्यान रखेंगे। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसकी कोयला की आपूर्ति होती है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से जो है। तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति होती कहाँ है, तो यह है खंडवा जिले में। कब स्थापित हुआ, 2014 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है? तो ये सिंगरौली जिला है, और सिंगरौली जिले को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी है ये मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है, किस कंपनी से है? तो निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, जेपी समूह से, जो जेपी कंपनी है उससे संबंध है, और यह सिंगरौली जिले में है। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो गाडरवाड़ा से जो है तो शक्कर नदी है वहां से इसकी आपूर्ति की जाती है। और गाड़रवाड़ा सुपर थर्मल प्लांट कहाँ पे है, तो यह है कहाँ पे, नरसिंहपुर में, ठीक है, आप ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया था? तो चंबल नदी पर हम बांध को देखें तो कौन सा बांध था, उसका नाम था गांधी सागर, पहला बांध था, और यह भानपुरा मंदसौर में स्थापित है। यहाँ पे 2 और बांध भी अवस्थित है इस चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना कौन से राज्य से लाभान्वित होते हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हैं। यह चंबल नदी पर बनाया गया है, और यह कहाँ पे है, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ है, यह खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में मंधाता नामक स्थान पे है, वहां पर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई है 1 अगस्त 2000 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना, चिंकी परियोजना संबंध किससे है, तो ये नरसिंहपुर जिले से है। यह चिंकी नदी पर बनाई गई है, चिंकी नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। 3-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पुनासा जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर है, यह नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, खंडवा में है। इसका उपनाम क्या है, इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया, तो भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगाया गया, जिले में, और उसका नाम क्या है, कस्तूरबा ग्राम। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 43 पर।
मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम विद्युत गृह भांडेर में स्थापना हुई, जो कि ग्वालियर में है। कब की गई? तो की गई 1992 में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गैस आधारित विजयपुर विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है? तो गैस आधारित जो विद्युत संयंत्र है विजयपुर व गुना जिले में है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो किया गया है रतलाम जिले में, और रतलाम में भी एक जगह है जिसका नाम है भामटखेड़ा। तो भामटखेड़ा नामक जगह पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये है बैरछा रतलाम में। बैरछा रतलाम में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन सौर परियोजना स्थापित है? बेलसपन सौर परियोजना कहाँ है? भगवानपुरा में, जो कि कहाँ है? नीमच जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा 60 मेगावाट की ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो सिवनी जिले में किया जा रहा है ये 600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र, और इसका नाम है झाबुआ ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है? यह सिवनी में, आप ध्यान देंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की जा रही है? तो विश्व बैंक ने इसको सहायता दी है, और यह 250 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पे लगाई गई है। ये कहाँ है? तो यह है गुड़ तहसील है, वहाँ पे रीवा जिले में, वहाँ पे ये स्थापित की जा रही है, और विश्व बैंक द्वारा जो है तो इसको सहायता की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित अटल सागर बांध में कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो ये होता है 60 मेगावाट। अटल सागर बांध कहाँ है? तो यह है शिवपुरी जिले में। यह सिंध नदी पर बनाया गया है, और इसका अन्य नाम है मंडी खेड़ा बांध। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है देवी अहिल्या बाई, जो हवाई अड्डा है वह है इंदौर में, है ना, और यह प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गुना की वृद्धि हुई है? जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके अनुसार 11 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ी है 52%। किस सोलर मेगा पार्क को विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क जो है, जो कि गुड़ में है, यहाँ पे 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, है ना, इसे विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और विश्व बैंक ने इसमें आर्थिक सहायता भी की है। मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन कब किया गया? तो किया गया 2010 में, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 32 गुना की वृद्धि हुई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 57 में। मध्य प्रदेश में समेकित ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? समेकित ऊर्जा क्षमता हो गई है 28,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो 8वें स्थान पे, आप ध्यान रखेंगे। ये सभी जो डाटा है ये लिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश जो है तो 4th स्थान पे है। हम कोशिश करते हैं कि संबंधित फैक्ट को चेक कर लिया जाए अच्छे से, और किया जाए, यदि उसके बाद भी कुछ गलतियां होती हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, जिससे हम अन्य लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट से पहुंच गई है? तो यह 5100 मेगावाट। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के तहत कितने क्षेत्र आते हैं? तो ये 5 क्षेत्र आते हैं, उमरिया, कोरार, जोहिला, सुहागपुर और सिंगरौली। मध्य भारत कोयला क्षेत्र का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह उमरिया कोयला क्षेत्र, जो कि 15.5 किलोमीटर स्क्वायर पर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो वह है सुहागपुर, जो कि शहडोल जिले में है, और यह लगभग 4142 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र को कितने क्षेत्र में विस्तृत है, कितना एरिया है इसका? इसका एरिया 3230 किलोमीटर स्क्वायर। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ये किया जाता है 4 भागों में, जिसमें मोहपानी, कान्हन, पेंच घाटी और शाहपुर तवा क्षेत्र आते हैं। शाहपुर तवा क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? तो यह बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में स्थित है, और यह तवा नदी घाटी पर भी विस्तारित है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है सुहागपुर शहडोल से, और यहाँ पर लगभग 210 मेगावाट विद्युत की उत्पादन क्षमता है इसकी। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? तो की गई 1960 में, और यहाँ पर लगभग 15 मेगावाट जो है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, और बरगी बांध से जो है तो इसकी जल की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेंच ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? तो की गई 2012 में। कहाँ की गई? तो ये की गई छिंदवाड़ा में। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 70 पर। महेश्वर जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1994 में, खंडवा जिले में की गई, और इसकी क्षमता है 400 मेगावाट। धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो लगाया गया है धार जिले में, और
इंदौर और बालाघाट जिले में भी धान की भूसी आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जनरेशन योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? जनरेशन योजना खरगोन जिले से प्रारंभ की गई है। क्या ये? तो इसमें अवशिष्ट जलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बायो मिथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो कचरे से गैस बनाने का कारखाना जो भोपाल जिले में स्थापित किया गया है और अभी हाल ही में इंदौर जिले में भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये बैतूल है, वहाँ पे सारणी नामक जगह है बैतूल जिले में, वहाँ पर स्थापित किया गया है बायोमास संयंत्र। संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 3 जुलाई 2018 को। मध्य प्रदेश में उजाला योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 30 अप्रैल 2016 को उजाला योजना का प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? तो ये है सांची डेयरी में, जो कि भोपाल में अवस्थित है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है? तो टेलीफोन एक्सचेंज है सौर ऊर्जा से संचालित, वह है शिवपुरी में। सितंबर 2018 में ONGC ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 3000 मीटर गहराई में तेल सुरगैस की खोज की है? है ना, तो ये कहाँ की? विंध्यन बेसिन में की है। पहला कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले नौहटा दमोह में हुआ था और अभी हाल ही में कहाँ है? विंध्यन बेसिन में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1867 में प्रयागराज से जबलपुर। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? देखी गई 1976 में। निषादपुरा नामक जगह है भोपाल में, वहां पर इसकी स्थापना की गई 1976 में। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 83 पर। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील पर्यटन ट्रेन मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है खजुराहो से। तो ये आप ध्यान देंगे, खजुराहो से 2009 से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में नैरो गेज ट्रेन सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1895 में की गई, ग्वालियर से शिवपुरी के बीच। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया जाने की योजना है? तो कार्गो हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? डबरा नामक जगह है ग्वालियर जिले में, वहां पर। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी है दमोह जिले में। इसके साथ ही ग्रेसिम इंडस्ट्री जो नागदा में है वहां पे भी हवाई पट्टी है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? तो वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ एमपी में हुआ 16 जुलाई 1948 को इंदौर से जबलपुर के मध्य। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? तो यह इंदौर में 1984 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 22 मई 1955 में और भोपाल में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का गठन कब किया गया? तो किया गया 1 अप्रैल 1962 में। मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने हेतु संचालित परियोजना कौन सी है? तो स्वान परियोजना है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यह 2005 से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? तो यह है गुना जिले में। मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? तो इसका नाम था जीवाजी प्रताप के नाम से प्रकाशित होता था मध्य प्रदेश संदेश, और यह 1950 से ग्वालियर से प्रकाशित होता था। शुभ चिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता था? क्या होता था? जबलपुर शहर से, और इसके संपादक नाम था राम गुलाम अवस्थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 95 कि मध्य प्रदेश के सबसे पुराने उर्दू अखबार समाचार पत्र का नाम क्या है जो भोपाल से अब तक प्रकाशित होता है? इसका नाम था नदीम। ग्वालियर गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1853 में और इसके संपादक थे लक्ष्मण दास जी। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 को कब अनुमोदित किया गया? तो किया गया 2 अगस्त 2002 को। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 1922 2 अगस्त 2022 को अनुमोदित की गई। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य है ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 2024 में 20% और 2027 में 30% और 2030 तक 50% करना। ठीक है, पहला है 2024 में 20%, 2027 में 30% और 2030 तक 50% करना। मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 23 नवंबर 2021 को। और आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत कहां से की गई? तो की गई है खरगोन जिले से। चलिए, 100 क्वेश्चन आपने सुने थे अच्छे से ध्यान से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिविजन करने में सहायक हुए, कुछ फैक्ट आपको नए लगे हों तो आपने इसे नोट जरूर किया होगा। आप हमें प्रोत्साहित करते चलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। हम अगले 70 दिन तक ये सीरीज लेके आएंगे, लगभग 7000 क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश की बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।